हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम घटना चक्र में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का ये आई थिंक फोर्थ वीडियो होगी जिसमें हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया और जैसा कि थंबनेल में लिखा था रिवोल्ट ऑफ 1857 वो हम आज करने जा रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने गवर्नर जनरल्स वाइस रॉयस के बारे में पढ़ा था और उससे पहले जो भी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है रीजनल पावर्स वगैरह एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन एक्सेट्रा वो सब हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा प्लेलिस्ट का हिस्ट्री की घटना चक्र के, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए अब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस। कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग जो था होम चार्जेस फॉर्म करते थे वो ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया में हो रहा था जिस वजह से, ठीक है। तो इनमें से कौन से फंड्स जो थे वो होम चार्जेस में इंक्लूडेड थे? ये थे आपके फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंडन, एंड सेकेंडली फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया। आगे, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। तो कौन कौन सी कमोडिटीज जो थी वो एक्सपोर्ट करी जाती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से 18th सेंचुरी के अराउंड? तो ये थी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्रिक एंड ओपियम, ठीक है। आगे चलते हैं, टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस वॉज अप्लाइड टू दी। इम्पीरियल प्रेफरेंस की जो टर्म है वो किस पे अप्लाई होती थी? ये होती थी स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन इंडिया पे। आगे, देर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ दी। कोई इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्री की नहीं हो पाई थी भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान, ये क्यों था? इट वॉज बिकॉज प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। तो रिचेस जो थे वो सिर्फ लैंड पे ही इन्वेस्ट करना चाहते थे, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज दी। ब्रिटिश रूल जो भारत में था उसका एक रिजल्ट 19th सेंचुरी में क्या था? ये था कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन हो चुकी थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, ब्रिटिश रूलर्स जो है वो फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए और अदर कैश क्रॉप्स, जो रॉ मटेरियल जो था कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो भारत में हुआ था उसका इम्पैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करता है? ये करता है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो रून हो चुके थे इसकी वजह से, ठीक है। आगे, हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट। फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है, बंगाल में, एंड इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। और इसको ईस्ट ई मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिश्वेदारी एक्सेट्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या रिकॉग्नाइज किया जाता था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्टियर्स हैं लैंड के, ठीक है। और ये ऑल्सो रिकॉग्नाइज करता था कि जो भी राइट्स जो है हेरिडिटरी सक्सेसर जो है लॉफुल सक्सेसर लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है। गवर्नमेंट बिलीव करती थी कि ये लैंडलॉर्ड्स जो होंगे वो ब्रिटिशर्स को फेथफुल रहेंगे। तो ऑल्सो लैंडलॉर्ड्स को राइट दिया गया था अपनी जो लैंड को ट्रांसफर करने का या सेल करने का, ठीक है। और अगर वो फिक्स डेट पे अपना जो है पेमेंट नहीं दे पाते थे गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, तो उनके जो राइट्स जो दिए हुए थे उस लैंड के वो उनको ले लिए जाते थे, ठीक है। ऑल राइट्स वर एंडेड। ऑल्सो इट वॉज अग्रीड दैट जो टैक्स रेट है वो फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, कि फिक्स टैक्स रेट है यही हमेशा आपका चलता रहेगा। आगे चलते हैं,
दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और एक रीजन दे रखा है. स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अजर्शन इसमें क्या है ये दे रखा है, रीजन क्या दे रखा है, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री. तो इनमें से बताना है करेक्ट क्या है. तो ऑब्वियसली ए तो है ही कि डिफरेंट सिस्टम्स थे लैंड रेवेन्यू के, एंड इसका रीजन भी सही है कि क्योंकि इस वजह से क्या हुआ, डिफरेंट क्लासेस जो है पीजेंट्री की क्रिएट हुई थी. इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये कौन कौन से थे, ये था परमानेंट सेटल सिस्टम, रियोतवारी एंड महलवारी सिस्टम. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ये था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में एंड यूपी में. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी और महलवारी कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था. वेयर एज जो रियोतवारी सिस्टम जो था वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, मद्रास में और कुछ पार्ट्स मुंबई में, ईस्टर्न बंगाल में, असम में और कूर्ग में. ठीक है, महलवारी जो है ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था यूपी में, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब में, मतलब सेंट्रल इंडिया जो है नॉर्थ साइड में, वहाँ पे आपका महलवारी सिस्टम था. रियोतवारी सिस्टम आपका ईस्ट बंगाल, असम, कूर्ग, मतलब थोड़ा सा आप कह लो ईस्टर्न साइड में था, एंड इंक्लूडिंग मुंबई एंड मद्रास. ठीक है, साउथ ईस्ट टाइप्स. एंड जो आपका महल परमानेंट सिस्टम था ये आपका प्योरली ईस्ट में था, दैट इज़ बंगाल, बिहार, उड़ीसा. ठीक है, एंड थोड़ा सा पार्ट ऑफ वाराणसी और यूपी, थोड़ा सा पार्ट यूपी का वाराणसी में. परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी हमने पढ़ा, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद, परमानेंट सेटलमेंट वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी जमींदार के द्वारा. आगे चलते हैं. विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया. कौन से गवर्नर जनरल ने परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, अभी पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर. तो परमानेंट सेटलमेंट कौन से ईयर में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 1793 AD में. आगे, द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. ठीक है, द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन. एक टेंडेंसी हो गई थी इंक्रीज की लिटिगेशन की, किसके तो कब हुई थी, जब लैंड सेटलमेंट सिस्टम कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था. तो ये कौन सी रीजन से या प्रोविजन से ये रिलेट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये आप ज़मींदार की पोजीशन स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये सही है. ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवरलोड एंड ओवरलोड ऑफ जमींदार, येस, एंड मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, येस. ठीक है, आगे चलते हैं. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पत्तास टू द फार्मर विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द जमींदार्स. द रीज़न वॉज, तो पत्ता इंट्रोड्यूस किया जाता था जमींदारों के द्वारा फार्मर को, जो फार्मर जो था वो लैंड की मैनेजमेंट करता था, एंड जमींदार वॉज द ओनर ऑफ द लैंड. तो इसमें पत्ता जो था वो नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता था कुछ जमीन द्वारा, जमींदार द्वारा. तो उसका क्या रीज़न था, ये रीज़न ये था क्योंकि कोई ऑफिशियल्स नहीं थे चेक करने के लिए कि वेदर जमींदार जो है अपना काम वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो जमींदारों को कितना जो था कलेक्शन जो रेवेन्यू का देना पड़ता था, 89% जो है, दैट इज 10/11. देखिए आप कितना ह्यूज अमाउंट जो है वो ऑफिशियल्स को देना पड़ता था जमींदारों को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार. बिहार में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है ये बताना है. ठीक है, सारे ऑप्शन सही है, नहीं नहीं तो लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, तो लैंड रेवेन्यू को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, तो दैट इज
करेक्ट अबाउट परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन बिहार. ठीक है, आगे. परमानेंट सेटलमेंट एंड रोजगारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन. तो ये कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आपने अभी पढ़ा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और यूपी में इंट्रोड्यूस हुआ था. वेयर एज रोजगारी सिस्टम जो है आपका मद्रास, मुंबई, ईस्टर्न बंगाल, असम और कुर्ग में हुआ था. तो उसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल एंड मद्रास. फिल इन द ब्लैंक्स करना है. इन डैश द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन बाई द बंगाल टेनेंसी एक्ट. इनमें से कौन से ईयर में जो है राइट्स टेनेंट्स के जो थे बंगाल में और बिहार में वो बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा दिए गए थे. तो ये था आपका 1885 में. ठीक है, आगे. इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पॉज करके वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं. आगे चलते हैं. सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. तो सर थॉमस मुनरो जो हैं ये कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड हैं. तो ये हैं रियोतवारी सेटलमेंट से. ठीक है, तो रियोतवारी सिस्टम जो था वो सेकंड सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड था आफ्टर परमानेंट सिस्टम. सर परमानेंट सेटलमेंट करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने जो थी वो रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. ये कहाँ किया था, बारामहल डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में. ठीक है, इसके बाद मद्रास, बंगाल, असम, कूर्ग और कुछ क्षेत्र बॉम्बे के में ये इंट्रोड्यूस हुआ. और रियोतवारी सिस्टम में क्या होता था, जो ओनरशिप राइट्स जो थे वो पीजेंट्स को ही ट्रांसफ़र करे जाते थे एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कलेक्ट करती थी टैक्सेस पीजेंट से. यानी आप देखिए जैसे कि जमीन परमानेंट सिस्टम में क्या था, एक ज़मींदार होता था और एक फार्मर होता था या पीजेंट कह लीजिए. तो जमींदार वॉज द मिडल मैन जो पीजेंट्स और जो ऑफिशियल्स जो ब्रिटिशर्स जो थे उनके बीच में ही यूज टू लाइक नेगोशिएट. वेर एज इसमें क्या था रेवेन्यू सिस्टम में डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स पीजेंट्स को कनेक्ट करते हैं, उन्हीं से ही वो टैक्सेस लेंगे. जिसमें से 15.1% ऑफ ब्रिटिश जो है वो ऑक्यूपाइड इंडियन एरिया इस सिस्टम में इंक्लूड किया गया था. ठीक है, आगे चलते हैं. हु वॉज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ मद्रास. रेवेन्यू सेटलमेंट जो मद्रास का था वो कौन रिलेटेड थे, हमने पढ़ा थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड. नेक्स्ट, हु स्टार्टेड रेवेन्यू सिस्टम, थॉमस मुनरो. आगे, रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाई द ब्रिटिश इन दी. रेवेन्यू सिस्टम जो है कौन सी प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था. ठीक है, आगे. द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम में. इंग्लिश ने जो है रेवेन्यू सिस्टम फर्स्ट टाइम कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में. ठीक है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने. आगे, इन ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज प्रिवेलेंट इन. तो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था तो ये कौन से क्षेत्रों में प्रिवेलेंट था. इट वॉज प्रेजेंट इन वेस्ट ऑफ इंडिया एंड दी साउथ इंडिया, रेवेन्यू सिस्टम. ठीक है, आगे. विद द रेफरेंस टू द रेवेन्यू सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स रखें, द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाई द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट गेव पत्तास टू रेवेन्यू. एंड थर्डली, द लैंड वॉज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बींग टैक्सड. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं. ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम के. कब इंट्रोड्यूस हुआ था रेवेन्यू सिस्टम, 1820 में. और आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1793 में आई थिंक. आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कब हुआ था, आई थिंक मैं डेट कन्फ्यूज कर रही हूँ. और नेक्स्टली मेजर एरिया ये था. ठीक है, और ओनरशिप डायरेक्टली पीजेंट्स को दी गई थी. ठीक है, और रेवेन्यू सिस्टम में 50% था रेवेन्यू रेट. और जहाँ पे लैंड सूखे थे या मतलब अच्छे नहीं थे, और जहाँ पे अच्छे थे इरीगेटेड लैंड थे वहाँ पे आपका 60% टैक्स था. आगे, विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. भारत के इतिहास से रिलेटेड में कुछ पेयर्स दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कौन से सही मैच्ड हैं. ठीक है, बनियान द बनियन
इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, येस दिस इज राइट, एंड मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है. औरंग क्या है? औरंग एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है वेयर हाउस, जहाँ पे गुड्स जो है रखे जाते थे. एंड बैनियन जो है वो क्या है, एक इंडियन एजेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करता था, ठीक है, बनियान बनिया भी बोलते हैं जिसे. एंड मिरासीदार जो थे वो एलिट्स थे साउथ इंडिया के, जो हाई कास्ट से रिलेटेड थे, और वो एक्सर्ट करते थे अपनी ओनरशिप ओवर एंटायर विलेज लैंड, है ना, जिनके अंडर जो फार्मर्स उनके वर्क करते थे. आगे, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टैब्लिश्ड? असम में पहली टी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1839. तो असम कंपनी फॉर्म हुई थी इंग्लैंड में 1839 में, किसते कैपिटल के साथ, 5 लाख रुपए के साथ. एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, नजीरा असम में, ठीक है. इट इज़ द ओल्डेस्ट टी कंपनी ऑफ असम जो कि अभी भी काम कर रही है. नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रीम थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय दादाभाई नौरोजी? दादाभाई नौरोजी ने जो वेल्थ ड्रीम थ्योरी थी वो प्रोपाउंड करी थी, यानी स्टेट करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है. ये स्टेटमेंट सही है, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियंस नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बींग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटीरियल रिटर्न्स. मतलब भारत को एक मशीन बना दिया गया था कि रॉ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में भेजे जाते थे टू मैन्युफैक्चर दी फाइनल गुड्स, एंड इसके रिटर्न में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था, ऊपर से उनसे और टैक्सेस लिए जाते थे. आगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, दादाभाई नौरोजी के बारे में पढ़ लेते हैं. तो उनको हम ग्रैंड मैन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, और इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है. और दादाभाई नौरोजी के हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ड्रेन हो रहा था? तो इट वॉज एक्सटर्नल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी का एक्सपेंस जो था वो भी इंडिया दे रही थी, एंड जो इंडिया का जो पार्ट था नेशनल वेल्थ का वो भी जो है इंग्लैंड में ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसका उसे कोई जो है मुनाफा नहीं हो रहा था, उससे कोई उसे रिटर्न नहीं मिल रहा था. आगे, हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है भारत की वो ब्रिटिश रूल में किसने दी है? अभी हमने पढ़ा, ये दादा भाई नौरोजी ने दी है. विद द रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1813 में शुरू हुई थी, ये सही है. नेक्स्ट, अबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेवेटेड द प्रोसेस, ये भी सही है, ठीक है. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन 1813, जिसमें कमर्शियल जो मोनोपोली थी कंपनी की वो ख़त्म हो चुकी थी, एक्सेप्ट फॉर टी एंड ओपियम ट्रेड एंड द ट्रेड विद चाइना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ क्वेश्चन है. विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833, ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, ये भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 और किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833. इसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एग्रेवेट हुई थी, एंड इट एंडेड द एक्टिविटीज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एंड इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है. आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी? अभी हमने पढ़ा, दादा भाई नौरोजी. हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? इनमें से कौन से जो थे क्रिटिक्स थे, इकोनॉमिक क्रिटिक्स कॉलोनियलिज्म के टाइम पे भारत में? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड आर सी दत्त, तीनों, ठीक है. तो 1875 में क्या हुआ, काफ़ी इंडियन इंटेलेक्चुअल जो थे उन्होंने इकोनॉमिक आस्पेक्ट जो था इंडिया का देखा ब्रिटिश रूल के टाइम पे. तो कौन कौन थे ये, दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद राणा दे थे, और ICS ऑफिसर रमेश चंद्र दत्ता थे, ठीक है. इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी दी, हिस्ट्री दी इंडिया की, ठीक है. और इनमें से कौन, किन किन ने इसे एनालाइज किया, ये थे GV जोशी, जी सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड पृथ्वी चंद्र राय,
ठीक है, इन्होंने फाइनली रीच किया कंक्लूजन कि कॉलोनियलिज्म जो था वो मेन हर्डल था इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में. तो जो ब्रिटिश जो कॉलोनाइज कर रही थी, दैट वाज द मेन हर्डल फॉर दी लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिडंट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी दी थी उसको किसने बिलीव नहीं किया? तो ये सर सैयद अहमद खान ने जो है उन्होंने बिलीव नहीं किया. आगे चलते हैं. हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया. तो ये बुक किसने लिखी है? ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी गई है. ठीक है, दादा भाई नौरोजी अलॉन्ग विद डब्ल्यू सी बैनर्जी उन्होंने क्या इस्टेब्लिश की थी? ये की थी लंडन इंडिया सोसाइटी 1865 में. ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका इम्पॉर्टेंट रोल था कि इंडियन प्लाइट जो इंडिया जो सफ़र कर रहा है इकोनॉमिकली उसको एक्सपोज करना है. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी. तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे लिबरल पार्टी की ओर से. ठीक है, ही डायरेक्टली हाईलाइटेड इंडियन इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट्स एंड प्रोपाउंडेड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फर्स्टली इन हिज शॉर्ट बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, आगे. हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, दादा भाई नौरोजी. स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज दैट ही वन एक्सपोज इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया बाई द ब्रिटिश, टू इंटरप्रेटेड द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिसोर्टेड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस, एंड थर्ड स्ट्रेस द नीड ऑफ फॉर इराडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल ईविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स. इसमें पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. कौन सा स्टेटमेंट था ये? कि ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाई द ब्रिटिश. इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लंडन में वी सी बैनर्जी के साथ लंडन इंडिया सोसाइटी जो है 1865 में खोली थी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अजर्शन एंड रीजन दे रखा है. जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इंडिया का जो था फेवरेबल बैलेंस था ट्रेड का ब्रिटिश रूल के टाइम पे. इसका रीजन दे रखा है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स. तो अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जिस तरीके से हो रहा था उस वजह से क्या हुआ, अनरिक्वायर्ड जो मतलब जो मटेरियल आपको चाहिए नहीं उसका भी अब एक्सपोर्ट होने लग गया था. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू. ठीक है, इसके बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी हिस्ट्री. जो कांस्टेंट फ्लो था वेल्थ का इंडिया से इंग्लैंड में, इसके लिए जो है इंडिया को एडिकेट इकोनॉमिक कमर्शियल या मटेरियल रिटर्न नहीं मिला. ठीक है, तो इसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाने जाते हैं. 1813 से पहले क्या हो रहा था, जो भी सरप्लस बन रहा था और जो भी लैंड रिवेन्यू आ रहा था और जो भी आपका कंपनी ऑफिशियल्स कमा रहे थे और जो भी प्रॉफिट्स आपके ट्रेड से जा रहे थे वो सारे ब्रिटिशर्स के पास आ रहे थे. एंड इस वजह से जो है वो सरप्लस बन गया था कंपनी का, विच वॉज नोन एज द इन्वेस्टमेंट फॉर देम. एंड इसके चलते वो जो है परचेज कर रहे थे एक्सपोर्टेबल आइटम्स जो एक्सपोर्ट करी जा सकती है भारत से, कहीं और से खरीद रहे थे वो चीज़ें. ठीक है, एंड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड मेड आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इंडिया डिडन गेट एनीथिंग इन रिटर्न. जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स कर रहे हैं वो बना बना के, उसके लिए कुछ रिटर्न में भारत को कुछ नहीं मिला. ठीक है, और ये जो सिस्टम जो था वो एंड पे आया किसके थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसे हम सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं. इस वजह से क्या हुआ, 1813 के बाद से जो भी एक्सपोर्ट्स वगैरह थे वो अनरिक्वायर्ड बन गए थे, अनरिक्वेटेड बन गए थे कि ये रिक्वायर्ड नहीं है एनी मोर. एंड इस वजह से क्या हुआ, एक एक्सेप्शनल ईयर्स में एक फेवरेबल बैलेंस जो था ट्रेड का बनने ही वाला था कि उससे पहले आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हो गया. ठीक है, तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो अजर्शन और रीजन जो हमारा ऊपर स्टेटमेंट है दे आर बोथ राइट. और इसके चलते दादा भाई नौरोजी ने भी इस ट्रेन ऑफ वेल्थ को कैसे डिस्क्राइब किया है, ईविल ऑफ ऑल ईविल्स, है ना. आगे चलते हैं. हु कंसिडर्ड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया? किसने कहा कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिस्गस्टिंग है भारत में? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना. आगे, वट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू
स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो टोटल सेंट्रल रेवेन्यू कितना ब्रिटिश इंडिया स्पेंड कर रही थी मिलिट्री फोर्स पे, तो ये था आपका 40%। ठीक है। तो यहीं पे हमारे वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलिए अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। आई थिंक इसके 100, कुछ लेस देन 100 एमसीक्यूज हैं, तो फटाफट इनको भी कवर कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल वाज ग्रीस कार्टेजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। न्यू एनफील्ड राइफल जो थी ग्रीस कार्टेजेस, वो ब्रिटिश आर्मी ने कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1856 में। इसके बारे में पढ़ते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू न्यू यूज न्यू एनफील्ड राइफल इंस्टेड ऑफ ओल्ड ब्राउन बेस गन इन दिसंबर 1856 में। ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि एनफील्ड राइफल यूज करेंगे वो इंस्टेड ऑफ उनकी जो ब्राउन बेस गन थी, कब? दिसंबर 1856 में। इसके लिए जो ट्रेनिंग थी वो ऑर्गेनाइज करी गई थी कहाँ कहाँ? दमदम, अम्बाला और सियालकोट में। द राइफल नीडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ लोडिंग ऑफ अ कार्ट्रिज इन द मैगजीन एंड हेंस द सोल्जर्स व्हाइल इन द इंसुइंग फाइट हैड टू बाइट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिज व्हाइल लोडिंग इट डाउन इन टू द राइफल्स मजल। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अगर जैसे उन्हें कार्ट्रिज या अगर बंदूक चलानी होती थी तो उन्हें आउटर कवरिंग जो कार्ट्रिज की थी वो बाइट करके जो है उसको तब उसे लोड करना पड़ता था राइफल में। ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो उनको कार्ट्रिज जो मुँह में डालनी पड़ती थी, तो इट्स रूमर्ड दैट इट हैज बीन ग्रीज विद एनिमल फैट एंड मेनली कौन सा, पिग फैट और काउ फैट। ठीक है। एनिमल, फिर इस वजह से क्या हुआ, आर्मी कमांडर्स ने क्या किया, दे रिफ्यूज द रूमर्स विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्रॉस चेक भी नहीं किया। लेकिन सोल्जर्स जो थे देवर ऑफ द व्यूज दैट दिस वॉज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ द ब्रिटिश टू डिसमिलिट देयर रीजन। तो लेकिन इंडियंस को क्या लगा कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमारा धन भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है। दिस बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन 57। तो ये जो राइफल, इनफील्ड राइफल्स का जो था उसकी वजह से एक फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी 1857 की स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉज क्या था? सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस। इनमें से कौन सा रीजन नहीं था कि सिपॉयज जो है वो रेबेलियस हों? द एफर्ट्स ऑफ ऑफिसर्स मेड बाय कंपनी, नहीं। द ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रैवल ऑन शिप्स, नो। द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, नो। नेक्स्ट, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, यस। ठीक है। तो द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर जो थी इट वॉज नॉट द कॉज फॉर द सिपॉय म्यूटनी इन द रिबेलियन 1857 का। क्यों, किस वजह से था? इट फैक्टर्ड ओवर द टाइम। ठीक है। रादर देन अ सिंगल इवेंट, सिंगल इवेंट नहीं था ये, टाइम के साथ साथ जो है ये बढ़ता चला गया। ठीक है। एंड ऑर्डर क्या था कंपनी का कि सिपॉयज को कि उन्हें शिप पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हिंदुइज्म में क्या था कि अगर आप ट्रैवल करो सी में तो इट कैन डिवाइड देम ऑफ देयर रिलीजियस स्टेटस ऑफ बीइंग अ हिंदू, पहले ऐसा बिलीव था। तो इस वजह से भी दे मतलब ट्राई टू इन्वोक द ब्रिटिश इंडियन रिलीजन्स। ठीक है। A more immediate cause of the sepoys' dissatisfaction was a recent order that they would not be given the foreign service allowance. Foreign service allowance क्या थी? भट्टा जिसे कहते थे। Then serving in the Sindh और पंजाब। ठीक है। दूसरा reason ये था कि उनको भट्टा नहीं मिलेगा। And lastly कि rumors जो थे कि annual fat जो है cartridges में new Enfield rifle में use हो रहे हैं। ठीक है। These all caused the Indian Rebellion of 1857. These were the reasons. ठीक है। It was not the single event. आगे, मंगल पांडे इंसिडेंट टू प्लेस एट। तो मंगल पांडे का जो इंसिडेंट है आपने मूवी भी देखी होगी, तो ये बैरकपुर में हुआ था। ठीक है।
29 मार्च 1857 में, ठीक है, एंड मंगल पांडे ने मर्डर कर दिया था हिज एडजुटेंट को, अपने एडजुटेंट को उन्होंने मार दिया था, ठीक है, एंड इस वजह से ब्रिटिशर्स ने 34th NI रेजिमेंट को डिसॉल्व कर दिया था और उसके कल्प्रिट्स को पनिश किया गया था। विद विच अपराइजिंग इन मंगल पांडे एसोसिएटेड, कौन सी अपराइजिंग से जो है मंगल पांडे एसोसिएटेड है, तो ही इज एसोसिएटेड विद बैड पोल। आगे, मंगल पांडे वाज अ सेपॉय ऑफ, मंगल पांडे कहाँ के सेपॉय थे, तो अभी हमने पढ़ा ही वाज अ सेपॉय ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब ए आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। साहिब ए आलम बहादुर, ये बहादुर शाह जफर ने दिया था टू ने 1857 की अपराइजिंग में, तो ये किसको दिया था, ये दिया था भक्त खान को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भक्त खान वाज अ पश्तून रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ रोहिला चीफ नजीबुद्दौला। ठीक है, भक्त खान वो थे दिल्ली में आए थे कब, 1 जुलाई 1857 में, जिसकी वजह से जो लीडरशिप जो थी पोजिशन बहादुर शाह जफर की टू की वो इम्प्रूव हुई थी। ठीक है, एंड इस वजह से इवेंचुअली उनको साहिब ए आलम बहादुर के नाम से जाना गया। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट का मेन कॉज क्या है, ये था पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से शुरू। ठीक है, तो सिपाहियों ने जो न्यू राइफल कार्ट्रिज को यूज करने का रिफ्यूज कर दिया और उन्हें मेरठ छोड़ के वो दिल्ली की ओर जाने लगे। ठीक है, तो जनरल ह्यूइट जो थे उन्होंने इस रिबेलियन को स्टॉप भी किया, लेकिन जनरल विलो भी लाइक ट्राइड टू रेजिस्ट इट बट ही वाज आल्सो डिफीटेड। मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, मतलब उनको ऐसा डिक्लेयर किया सबने कि ही इज द एम्परर ऑफ इंडिया, एंड इस वजह से जो सक्सेस जो थी दिल्ली के रिवोल्ट की उसने सेंसिटाइज कर दिया था बहुत सारे जो क्षेत्र थे भारत के, और रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड ओवर हो गया कौन कौन से एरियाज में, औध, रोहिला खंड, वेस्टर्न बिहार एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट, अभी हमने पढ़ा मेरठ से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज, पहला कौन सा जो था इवेंट जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 57 शुरू हुई थी, तो इट वाज द मार्चिंग ऑफ सेपॉयज टू दिल्ली'स रेड फोर्ट। तो सब जो है मेरठ छोड़ के दिल्ली के रेड फोर्ट पे पहुंच गए थे। ठीक है, नाना साहेब जो थे वो रिवोल्ट किया उन्होंने 5 जून 1857 में कानपुर में। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने कहाँ से करा है रिवोल्ट 1857 का, तो वो नाना साहेब जी ने किया है कानपुर से, बेगम हजरत महल ने किया है औध से, और रानी ऑफ झांसी ने, लक्ष्मीबाई ने किया है, ठीक है, झांसी से ही, रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। एंड ये कब एंड हुआ, उनके जो मार्टिर नूम जब वो राजगद्दी को प्राप्त हो गई थी 1858 में। आगे, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, सिंबल कौन सा था 1857 के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, तो इट वाज लोटस एंड चपातीस, फूल और रोटी, रोटी ब्रेड जो इंडिया में लाइक स्टेबल फूड कहते हैं, मतलब नॉर्दर्न क्षेत्र में कह सकते हैं कि रोटी आपका स्टेबल फूड है, और रेड लोटस। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश, इनमें से कौन सा जो है सेंटर्स जो थे अपराइजिंग 1857 की रिकैप्चर करी गई थी इंग्लिश के द्वारा, तो ये था दिल्ली में। इसमें फिर से वही सब लिखा है, आप पॉज करके एक बार ये फिर से पढ़ सकते हैं, बाकी ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857
1857 का जो रिवोल्ट था उसमें एक्टिवली किस किसने पार्टिसिपेट किया है? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से एंड बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इट इज मोर देन फोर, आई थिंक ए बी सी तो है ही, आई एम नॉट श्योर अबाउट दी डी वन। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तांतिया टोपे नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और काफी लोग जो थे उन्होंने 1857 के रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है। आगे, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो बर्थ प्लेस कहाँ की है महारानी लक्ष्मीबाई की? तो ये है वाराणसी से। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम क्या है? मणिकर्णिका। इसके नाम पे भी मूवी आई हुई है कंगना रनौत की। और ये पैदा हुई थी 19 नवंबर 1835 में कुलगढ़ वाराणसी में। ठीक है, उनके फादर मोरोपंत जो थे वो कोर्ट में गए किंग गंगाधर राव के। ठीक है, और जब वो 13 साल की थी उस टाइम पे, और उनको महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी के साथ शादी करनी पड़ी एट द एज ऑफ 14। Who among the following was the leader of the revolt during 1857 at Bareilly? 1857 का जो revolt था बरेली में, तो उसके leader कौन थे? तो ये थे खान बहादुर। ठीक है, आगे। Where is the समाधि of महारानी लक्ष्मीबाई situated? महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, जो उनका tomb graveyard है, जो भी कहाँ पे स्थित है, ये ग्वालियर है। ठीक है, आगे। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट, तो ये सबने सुना भी होगा, लड़ी थी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ह्यू ग्रोस के साथ उनकी जो थी लास्ट कॉम्बैट था। तो रानी लक्ष्मीबाई किसकी विडो थी? वो थी लास्ट मराठा किंग राजा गंगाधर राव की। ठीक है, और डलहौजी ने जो है एनेक्स कर लिया था झांसी को अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1853 में। तो रिवोल्ट जो था झांसी का 1857 में किया था उन्होंने, एंड रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर से डिपार्ट हुई, ग्वालियर से निकल चुकी थी जब झांसी डिक्लाइन हो चुका था। तो उन्होंने मार्टिनोम 1858 में किया लॉन्ग बैटल अगेंस्ट ह्यू ग्रोस। ठीक है, एंड ह्यू ग्रोस ने क्या कहा? स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रिबेल लीडर। ये झांसी रानी की झांसी के बारे में बोला गया। आगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। 1857 का जो लखनऊ का रिवोल्ट था वो किसने लीड किया था? ये किया था बेगम ऑफ औध ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने। आगे चलते, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एंड औध वाज, ये अभी हमने पढ़ा, बेगम हजरत महल। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? 1857 से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। Who among the following was the leader of the 1857 uprising at Allahabad? अलाहाबाद में से जो लीडर थे वो कौन थे ये बताने 1857 में? आई थिंक ये हाँ मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली जो थे वो मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे, अलाहाबाद उत्तर प्रदेश थे। ठीक है, वो वन ऑफ द लीडर्स थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, और तो आई थिंक इसमें से कुछ और है नहीं, बस ये तो आपको बताना चाहिए। आगे चलते, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स जो 1857 की स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया ये कहाँ से आए थे? ये आए थे औध से सबसे ज्यादा। ठीक है, मोर देन 75,000 सिपाहीज। आगे, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? ये थे तात्या टोपे। मुंह बोले ये भाई थे किसके? झांसी की रानी के। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू। अजीमुल्ला खान जो थे वो किसके एडवाइजर थे? ये थे नाना साहेब के एडवाइजर। ठीक है, उनको क्रांति दूत भी कहा जाता है। विद द रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? तो ये थे तात्या टोपे। ठीक है, he was betrayed by a friend and captured करके उन्हें मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसकी कहानी समझ लेते हैं एक बार।
रामचंद्र पादुरान जो कि नोन एज तात्या टोपे, वो ग्रेट लीडर थे 1857 के रिवोल्ट में। उनके जो एडरेंट थे पर्सनल वो थे नाना साहेब कानपुर के, ठीक है। उन्होंने प्रोग्रेस किया ग्वालियर कॉन्टिजेंट को, और ब्रिटिश री ऑक्यूपेशन के जब उन्होंने कर लिया था तो वो कानपुर से निकल गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने फोर्स किया जनरल बिदिन को कि वो कानपुर से निकल जाए। उसके बाद ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, वो रानी लक्ष्मी के भाई के रेस्क्यू पे आए, एंड वहाँ पे लेकिन वो जनरल नेपियर ट्रूप्स के द्वारा वो हारे गए और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा शिवपुरी में 1859 में। एंड ही वॉज ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज एट ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। तात्या टोपे जो थे वो 1814 में पैदा हुए थे येवला महाराष्ट्र में, ठीक है। वो ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पादुरान और उनकी वाइफ रुकमाबाई के, और बित्तूर में आके वो नाना साहेब पेशवा के कॉन्टैक्ट में है, एंड वो उनके काफी बड़े मतलब एडमायरर बन गए थे तात्या टोपे नाना साहेब के, और उनके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। तात्या टोपे वॉज द ओनली पर्सन हु विटनेस द रिबेलियन सिंस द कानपुर रिवोल्ट टिल हिज एंड इन 1859। तो तात्या टोपे वॉज द ओनली वन जिन्होंने रिबेलियन जो है विटनेस किया था पूरा टिल दी एंड तक। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द रिबेल ऑफ द आर्मी एट शिवराजपुर, वो कमांडर इन चीफ थे शिवराजपुर में। उन्होंने कानपुर को डिफेंड किया और कैल्पी को कैप्चर किया, ठीक है, एंड इसकी वजह से उनको विक्ट्री मिली थी कानपुर में। उन्होंने कुछ और बैटल्स भी जीती ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनकी जो गरिल्ला टेक्टिक्स थी उसकी वजह से जो है ब्रिटिश जनरल जो थे उनसे डरते थे। तो ब्रिटिश उनको बोलती थी कि उनको ढूंढो, लेकिन तात्या टोपे जो थे वो जंगल में कहीं छुप के रहते थे और अचानक से जो है वो उन पे अटैक करते थे, इसे गरिल्ला टेक्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तात्या टोपे जो है वो अपने आप को बिजी रखते थे कि ऑर्गेनाइज करनी उन्हें फोर्सेस की कैसे अटैक करना है ये सब, ठीक है। और उन्होंने अलॉन्ग विद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर को सीज किया था, लेकिन लेटर ऑन सर कॉलिन कैंपबेल से वो हारे गए थे, ठीक है। उनको ब्रिटिश आर्मी ने चारों तरफ से घेर भी लिया था, तब भी वो निकल के वो जंगल में भाग गए थे। कुछ महीनों के लिए वहीं पे जंगल में ही छुपके रहे, लेकिन क्या हुआ, एक बंदा एक ट्रेटर जो था मान सिंह, उसने बता दिया ब्रिटिशर्स को कि वो कहाँ पे हाइड कर रहा है। तो इस वजह से उनको कैप्चर कर लिया गया था 1859 पे में, और उनको जो है ही ट्राइड इन द कोर्ट एंड ही वाज हैंग, एंड व्हाट ही सेड वाज कि व्हाट ही डिड वाज फॉर हिज ओन मदरलैंड एंड ही हैज नो रिग्रेट्स, कि उसने जो किया वो उसने अपनी धरती माँ के मतलब अपनी मदरलैंड के लिए किया है, और उनको उसका कोई वो नहीं है, राष्ट्र नहीं है। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पादुरंग, मैंने पढ़ा रामचंद्र पादुरंग किसका नाम था, ये था तात्या टोपे का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू? कुंवर सिंह 1857 के लीडर जो थे वो कहाँ से थे? ये थे बिहार से, कुंवर सिंह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वही स्टोरी है और डिटेल में आपको बताई गई है, आप इंटरेस्टेड हैं तो इस स्टोरी को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे आई स्क्रोल इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु स्पीयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? 1857 का जो रिवोल्ट था बिहार का वो किसने लीड किया था? अभी हमने पढ़ा कुंवर सिंह ने। Where did Kuvar Singh join the rebellion of 1857? ये उन्होंने किया है अर्रा से, ठीक है। आगे Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? लीडर कौन था बिहार का during 1857? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह लेड कर रहे हैं 1857 का बिहार से, अर्रा के क्षेत्र से, बिहार कुंवर सिंह। आगे कुंवर सिंह तीन बार आगे क्वेश्चन हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट मिल जाता है। फिर से वही कि किसने किया था 1857 में, कुंवर सिंह ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन इन 1857 आसाम? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थे मनीराम दत्ता,
दीवान मणिराम दत्ता जो थे वो लीडर थे 1857 के रिवोल्ट में आसाम से, ठीक है। ये हर एरिया के जो लीडर्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अगर उसे देखा जाए साइड से। आगे द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 20 जनवरी 1858 वॉज, तो सेंटर क्या था रिवोल्यूशन रिवोल्ट का बिहार में, ये था जगदीशपुर। आगे Which person of Jagdishpur took the lead of the revolutionaries during the 1857 AD? Jagdishpur कहाँ है बिहार में, तो बिहार के लीडर कौन थे? कुंवर सिंह। King of Jagdishpur was Kumar Singh. Who defeated the joint army British and Jodhpur during the revolt of 1857? तो ये किया था ठाकुर कुशल सिंह of Oba ने। British और जोधपुर की जो joint army थी ठाकुर कुशल सिंह of Oba ने defeat किया था। Which among the following places was not a center of revolution of 1857? इनमें से कौन सा जो था सेंटर नहीं था 1857 के रेवोल्यूशन का? अजमेर था, नीमच था, औवा था, जयपुर नहीं था, ठीक है। तो बी विल बी योर आंसर। Who among the following had struggled against Britishers in 1857? Britishers के अगेंस्ट 1857 में किसने स्ट्रगल किया था? तो ये किया था सादर खान ने, पहले भोपाल से कौन थे जिन्होंने मेन मूवमेंट चलाई थी? तो ये थे फजल मोहम्मद खान, ठीक है। Who of the following was the bitterest enemy of the British? Who of the following was the bittersweet enemy of British during the revolt of 1857? 1857 के revolt में कौन थे bittersweet enemy British के? तो ये थे मौलवी आदमुल्ला शाह, ठीक है। The revolt of 1857 was witnessed by the poet. तो कौन से poet ने 1857 का revolt देखा था? ये था मिर्जा गालिब ने, ठीक है। The original residence of the eminent Urdu poet Mirza Ghalib was. Mirza Ghalib जो थे ये originally कहाँ से थे? तो ये थे आगरा से। He was born in 1797 Agra and he died in Delhi in 1869. Who among the following was not associated with the revolt of 1857? 1857 के revolt से कौन नहीं related थे? दाता क्योपे थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी थे, भगत सिंह जो थे वो related नहीं थे। Who among the following was not related to the revolt of 1857? Begum Hazrat Mahal थी, Kumar Singh भी थे, Maulvi Alam Ahmadullah भी थे, Udham Singh नहीं थे, ठीक। आगे Which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? 1857 की जब movement हो रही थी तो कौन सी dynasty ने British का support किया था? तो ये थे Scindias Gwalior के, ठीक है। Scindias of Gwalior, Nizam of Hyderabad and Holkars of Indore, इन्होंने active support दिया है Britishers को। आगे, the educated middle class जो थी भारत की, तो उन्होंने 1857 के revolt के दौरान क्या किया था? वो neutral रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका उससे कोई relation नहीं था। आगे Which one of the following groups didn't participate in 1857 revolt? इनमें से कौन सा ग्रुप जो था उसने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? ये थे साहूकार एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। आगे Who among the following didn't rebel against the British East India Company's control over them? इनमें से किसने रिबेल नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उन पे कंट्रोल हुआ था? तो ये थे निजाम ऑफ हैदराबाद, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? इनमें से कौन सी जो टेरिटरी थी वो revolt of 1857 से नहीं अफेक्ट हुई थी? तो ये थी चित्तूर। आगे Which part of Bihar was unaffected with the revolt of 1857? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो था भारत का वो अनअफेक्टेड था 1857 के रिवोल्ट में? तो ये था आपका
पांच बना, लिस्ट वन को लिस्ट टू से, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। भक्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला का अवध से। कुंवर सिंह जी अर्रा यानी बिहार। नाना साहेब कानपुर से। आगे चलते हैं, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से, ठीक है। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन थी? ये थी बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे? ये थे आपके ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये थे अजीमुल्ला खान। एंड फैजाबाद से थे आपके मौलवी अहमद शाह। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, इस तरह के आते ही आते हैं पेपर में। नेक्स्ट है, नाना साहब कहाँ से थे? ये कानपुर से। नवाब हामिद अली खान ये थे दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला ये कौन से रीजन से थे? ये थे आपके लखनऊ से। एंड मनी राम दीवान ये आपके थे असम से। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही मैच नहीं है बताना है। और संबलपुर से सुरेंद्र सानी सही है। गुंजम राधा कृष्ण दान सेना यस। एंड कश्मीर से गुलाब सिंह यस। सो डी लखनऊ से लियाकत अली इज रॉन्ग, तो लियाकत अली वॉज एसोसिएटेड विद अलाहाबाद। ओके, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसकी गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। एंड ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड द फर्स्ट वाइस रॉय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। एंड ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया है, पढ़ लिया था। गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइस रॉय पढ़ रहे थे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं डिटेल में अगर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? Governor General of India कौन थे 1857 के टाइम पे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। Who was the Governor General? वही लॉर्ड कैनिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सिपाही मेंटी ये पढ़ लिया हमने, लॉर्ड कैनिंग। At the time of the 1857 का रिवोल्ट, who was the British commanding officer at Barrackpore? बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे 1857 के रिवोल्ट में ये कौन थे? ये थे हेयर से, सर जॉन बेनेट हेयर से, ठीक। हु हैज मेड अलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857? 1857 में अलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बनाया? ये बनाया है लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। उनका टेन्योर और गवर्नर जनरल उन सबका लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये पढ़ सकते हैं, बाकी हमने ये कर चुके हैं। Who was the British Prime Minister during the revolt of 1857? British Prime Minister 1857 के टाइम पे कौन थे? ये थे पामिस्टन, ठीक। What was the main cause of the failure of the revolt of 1857? 1857 का failure जो हुआ है revolt का वो क्या था? It was the lack of common strategy and central organization. मतलब कि unity नहीं थी उस टाइम पे, तो इस वजह से it failed somewhat. आगे, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, क्यों हुई थी? क्योंकि देर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी, यस। जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश, यस। ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज देन इंडियंस, यस। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज, ब्रिटिशर्स जो थे वो अपराइजिंग 1857 की राजपूत की स्टेट में दे वर एबल टू सप्रेस इट, क्या रीजन था? इट वॉज बिकॉज द लोकल राजपूत रूलर्स जो थे वो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं करते थे। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ? इनमें से कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ जो है लॉस्ट करी है लखनऊ में? तो ये थे आपके जनरल नील, मेजर हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो हैवलॉक आइलैंड्स बेसिकली जो आपके अंडमान निकोबार पे वो इसी के नाम पे थे, अब आई थिंक उन्हें रीनेम कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, हुज नेम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से किनका जो नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड नहीं है? कर्नल सेंट लेगल, कर्नल वॉलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, सबका ही नहीं है एसोसिएटेड। आगे, असम्पशन एंड रीजन दे रखा है।
स्टेटमेंट है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो फ्रीडम सिक्योर करने में फेल हुई थी। रीजन दे रखा है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिडंट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट शाइड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। ये भी सही है कि बहादुर शाह जफर को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और मैक्सिमम जो रूलर्स है दे लाइक दे रिफ्रेन देमसेल्व्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। सो बोथ असम्पशन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। 1857 का जो रिवोल्ट था उसे कॉन्स्पिरेसी कौन कहता है? ये कहा जाता है सर जेम्स आउट्राम एंड डब्ल्यू टेलर। इनके अकॉर्डिंग जो है कि 1857 वाज नॉट इवन अ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, कहते हैं कि हम ये हमारी कोई रेवोल्यूशन या ये कुछ नहीं था, विच इज आउटराइट रॉन्ग। मतलब इट वाज अ मेजर कह सकते हैं पॉइंट जिसमें हमने पहली बार जो है इंडियंस ने कुछ यूनिटी दिखा के कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट करा था, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर वॉज। तो कौन थे जो उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट है उसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहा है? तो ये थे वीडी सावरकर, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में ये स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट, put on the uprising of 1857 as the first war of independence, ye abhi humne bataya vd sarvadar ne ye bola hai। the official historian of indian freedom struggle was, indian freedom struggle jo pehli 1857 ki hui thi unke official historian kaun the? ye the sm sen, theek hai। aap confuse mat hoiyega, isme vd sarvadar bhi de rakha hai, lekin official historian ki baat kare तो ये बॉस एस एन सेन जिन्होंने बुक नाम लिखा था सिर्फ 1857 जो 1957 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। आगे, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने भारतीय लैंग्वेज में जो रिवोल्ट हुआ 1857 का उसके बारे में लिखा है? तो ये थे सैयद अहमद खान, ठीक है। तो इनकी बुक क्या थी? अशर ए भगवत ए हिंद, ठीक है, 1859 में पब्लिश हुई है सैयद अहमद खान के द्वारा। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। ये स्टेटमेंट जो है कि फर्स्ट सो कॉल्ड की हमारी मतलब नेशनल वॉर थी इंडिपेंडेंस की, ना ही ये नेशनल थी ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने बोला है ये बताना है आपको। तो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय डॉक्टर आर सी मजुमदार, ठीक है। उनकी कौन सी बुक थी? द सिपनाई म्यूटनी एंड द रिपब्लिक ऑफ 1857। हु रोट, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी बड़ा आर सी मजुमदार ने बोला है। हु वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिडंट एक्सेप्ट 1857 रेवोल्यूशन एज अ रेवोल्यूशन। 1857 का जो रेवोल्यूशन है उनको रेवोल्यूशन ना क्या है? इंडियन हिस्टोरियन कौन थे ये हमने पढ़ा, डॉक्टर आर सी मजुमदार, पढ़ चुके हैं ये सब। हु वाज द करेस्पोंडेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स पब्लिश्ड इन फ्रॉम लंदन इन 1857 रोट दैट नोबडी इन नॉर्थ इंडिया लुक्स एट वाइट मैन्स कार विद फ्रेंडली व्यू। ये टाइम्स न्यूज़पेपर है जो लंदन से पब्लिश होता है, तो उसमें ये स्टेटमेंट कि कोई भी जो नॉर्थ इंडिया का है ना वो वाइट मैन को फ्रेंडली वे में नहीं दिखता। तो दिस वाज स्टेटमेंट गिवन बाय डब्ल्यू एच रसल, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सा जो कंसेप्शन या कथन जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में सही है? तो इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। यस, दिस इज ट्रू, ठीक है। क्या हुआ था? तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो है कंपनी का रूल जो है भारत में बंद हो गया था, एंड उसका रेन जो है उसका जो रूल है वो क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया था, एंड इसकी प्रोक्लेमेशन 1858 में हुई थी, ठीक है। एंड उन्होंने अज्यूम करी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन? तो ये 1858 में हुआ है, 1st November 1858।
Indians were assured of many things in the declaration by the Queen Victoria in 1858. Which among the following assurances was fulfilled by the British government? मतलब जब Queen Victoria ने अपने under ले लिया था administration India का, तो इनमें से कौन सी जो assurances थी वो Britishers ने fulfill करी थी? तो it was the policy of annexation will be amended. जो annexation की जो policy है उसको हम खत्म कर देंगे. annexation में क्या होता था कि भी आपने उसमें पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में है, अगर इसमें एक्सप्लेनेशन होगी तो उसमें आप समझ जाइए. तो इसमें कह रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो अलाहाबाद कोर्ट में जो था कि 1857 का प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया को दिया था. ठीक है, इसके बाद जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन. बस नहीं लिखा है और डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. आगे, व्हाट वाज और वर द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन इन 1858. क्वीन विक्टोरिया ने अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या क्या दिए थे, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था ये बताया ना है. टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, मतलब कोई भी इंडियन स्टेट को अनेक्स नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा. येस. नेक्स्ट इज टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन. येस, ये वन एंड टू. एंड टू रेगुलेट नहीं, ये नहीं किया गया था, ये लेटर बाद में किया गया था. आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. इनमें से कौन सा कमीशन जो है एसोसिएटेड है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से जब 1857 का रिवोल्ट जो है सप्रेस कर दिया गया था? तो इट इज द पील कमीशन. ठीक है, पील कमीशन इज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. इन्होंने 1:2 का रेशियो बताया ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स का बंगाल में, 1:3 का रेशियो मद्रास और बॉम्बे में. ठीक है, आगे. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट करे सोल्जर्स कहाँ से? ये करे थे बंगालीज और उड़ियाज फ्रॉम ईस्ट से. बंगालीज और उड़ियाज को जो है सोल्जर्स रिक्रूट किए गए थे रिवोल्ट के बाद. ठीक है, कहाँ कहाँ से? गुरखा, सिख, पंजाबी फ्रॉम द नॉर्थ. एंड इन्हांसमेंट के लिए सोल्जर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके बारे में सस्पिशियस हो गई थी. इस वजह से 60% ऑफ द सोल्जर्स ऑफ बंगाल आर्मी वर फ्रॉम आउट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. बाकी फिर मेरी टाइम लिखिए. तो इसी के साथ हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है अदर सिविल अपराइजिंग्स और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, इन दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, ये भी 1 आवर के सेशंस होंगे हमारे सारे. कोशिश रहेगी 1 आवर के अंडर में आपको ये सेशंस प्रोवाइड किए जाए. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं एग्जाम जर्नल पर तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें. इसके साथ साथ मैंने मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहती है मेरी ऑलिम बोर्ड की, मैं पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करती हूँ. यहाँ पे आपका आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स. उसी के साथ साथ आपकी थ्योरी भी चल रही है प्लस प्रैक्टिस ऑफ PYQs ऑफ मैथ्स. ठीक है, उसका लिंक भी या फिर कार्ड आ रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके आप सारे PYQs जो है एटलीस्ट आई थिंक 2019 से लेके 2023 या अभी करंट पेपर तक के सारे बेस्ट क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन समझाए गए. तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय.